उसके अंदर में है, वो वहां से ताक भी रहा है, अगर मैं दिखाऊँ तो मैं उससे निकलने से पहले फ्रेंड मैं उस पर चढ़ के मैं वो पेयर को फ्रेंड ये कर देता हूँ। इसी बॉक्स के अंदर फ्रेंड है, लेकिन थोड़ा हाइट का प्रॉब्लम कि थोड़ा और मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी अच्छे एक बॉन्डिंग पेयर है, मेल फीमेल है, तो मैं इसे पहले ये कर दे रहा हूँ, उतरना है। और ये बॉक्स आराम से में एक मेल फीमेल का ले लीजिए, मम्मी इसको पकड़िए, बस बस बस। मैं इसके अंदर बोलूँ तो दो काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग पेयर है, और इसे मैं स्पेशली मैं इसे आपका ब्रीडिंग सेटअप में फ्रेंड मैं दूंगा, जिससे काफी अच्छा ब्रीड्स हो। और आप ये बॉक्स के अंदर, हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गापुर बर्ड फार्म में जितने भी लोग हैं सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अभी फिलहाल रात का बज रहा है 9 और हमारा सन कॉर्नियर का ब्रीडिंग सेटअप कंप्लीट हो गया, और मैं जो 8 पेयर 9 पेयर जो मैं एडल्ट पेयर जो मैं लाया था और जिसका मैं ब्रीडिंग सेटअप कंप्लीट किया था, जिसको मैं ओपन एवियरी के लिए 10 दिन के लिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जिसमें ये बर्ड्स का डीवार्मिंग मैंने किया था। तो अभी सब बर्ड्स को मैं अभी पकड़ूंगा और एक एक करके मैं सेटअप के अंदर डालूंगा। रात के टाइम में बर्ड्स पकड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, और अभी सब बर्ड्स आपका बॉक्स के अंदर में ढुका हुआ है, तो मैं आस्ते आस्ते करके लाइट ऑफ करूंगा और उसके बाद मैं एक एक करके सबसे पहले बर्ड्स पकड़ूंगा। कुछ बर्ड्स वो कॉर्नर में, तो सबसे पहले वहां से स्टार्टिंग करता हूं। उसके लिए अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल मैं यहां पे, हमारा घर कहीं और पे है, तो मैं अभी हैंड के लिए एक गमछा यूज़ करूँगा और उसी से मैं आज पहला बर्ड्स यूज़ करता हूँ। आ जा रोहित, लाइट ऑफ करके, लाइट तो डाउन कर देना, ठीक है? आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। तो फ्रेंड 3 बर्ड्स वहाँ पे है, आपको अगर दिख रहा है तो 3 बर्ड्स वहाँ है, वहाँ से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला वहाँ पे 3 बर्ड्स में एक पकड़ते हैं, तो उसके लिए लाइट ऑन होने से ही बर्ड्स फ्रेंड देख के भाग जाता है। तो आराम से करके मैं पहला बर्ड्स पकड़ूंगा। तो फ्रेंड मैंने एक पहला बर्ड्स पकड़ लिया हूँ, और इसका रिंग आईडी नंबर हुआ SSG 1887। हमारा यहाँ पे DNA कार्ड हुआ है, कार्ड से मैं चेक करता हूँ कि मैं पहला बर्ड्स मैं क्या पकड़ा हूँ। 1887 फीमेल बर्ड्स हुआ, ये आप देख सकते हैं 1887 SSG फीमेल बर्ड्स हुआ है। तो सबसे पहला अभी मैं फीमेल पकड़ा हूँ और मैं इसे अभी रिलीज आउट करूँगा। पहला जो फीमेल है, पहला फीमेल को पहला बॉक्स में मैं रिलीज आउट करता हूँ। तो हमारा पहला बॉक्स जो स्टार्टिंग होगा फ्रेंड, वो यहाँ से स्टार्टिंग होगा। तो मैंने पहला बॉक्स मैं यहाँ पे ये एक फीमेल को मैं रिलीज आउट करूँगा। एक तो फ्रेंड यहाँ पे ये हो चुका है ऑलरेडी, और ये यहाँ पे मैं पहला फीमेल को थोड़ा सा ये लेके आना सामने कैमरा, ये पहला फीमेल फ्रेंड हमारा रिलीज आउट हो गया। ये फीमेल का वाव, काफ़ी अच्छा फीमेल है फ्रेंड, और ये फीमेल पहला बर्ड्स यहाँ पे आ गया। अब फ्रेंड चलते हैं, पहला बर्ड्स ही फीमेल से स्टार्टिंग हुआ, अब चलते हैं दूसरा बर्ड्स, और आज सारा ब्रीडिंग बॉक्स को फिलअप करना है। रात में बर्ड्स पकड़ना काफ़ी आसान होता है। रिलीज आउट फ्रेंड हो गया, और एक मेरा फीमेल ये बॉक्स के अंदर हो गया, और इसका रिंग आईडी है 0202। तो फ्रेंड चेकआउट करता हूँ कि 02 एक मेल हो जाए, जिससे मैं एक पेयर इधर मेरा हो सकता है। तो 02 02 02 02 02 नहीं है, 02 नहीं है। ये जो मेल है फ्रेंड, ये मेल 2019 का रिपोर्ट DNA है। तो ये 02 फाइनली एक आ गया है। अब मैं इसे पहला जो मेरा फीमेल के साथ मैं इसे देना चाहता हूँ। तो सो गाइस, फाइनली मैं ये बॉक्स को अभी गमछा से ये कर दिया हूँ, और किसी तरह हाइट नहीं जा रहा था, अभी कुछ भी नहीं था, लेकिन किसी तरह एडजस्ट करके मैं ये बॉक्स को लेके मुझे उतरना है, और ये बॉक्स आराम से इसी में एक मेल फीमेल का ले लीजिए, मम्मी इसको पकड़िए, बस बस बस, यस।
तो फ्रेंड बहुत मुश्किल से ये मेल फीमेल में एक बॉन्डिंग पेयर रात के टाइम में ही पकड़ा हूँ। तो अभी फिलहाल फ्रेंड इसे खोलना है और इसके अंदर का पेयर को चेकआउट करना है। कहाँ है? यस यस यस। तो फ्रेंड मैं कैमरा लेके आता हूँ। ये नहीं, नहीं। अगर आपको बॉन्डिंग पेयर आपको अगर ब्रीडिंग बॉक्स से अगर हो जाए, जो शायद फीमेल अंडा देने के लिए शायद बैठी हुई है, मैं ठीक से भी नहीं देखा हूँ, तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले मैं ये बॉन्डिंग पेयर को मैं ये करता हूँ, बर्ड्स पकड़ा हूँ। इसका जो रिंग आईडी नंबर है फ्रेंड वो मैं पहले चेकआउट कर ले रहा हूँ। 1023 1023। चलिए फ्रेंड। ए हे हे, नो 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 नो, आराम से रहो आराम से रहो। तो गाइस फाइनली आज मैंने 10 पेयर ब्रीडिंग पेयर मैंने दे दिया हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें एक काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग पेयर है, यहाँ एक ब्रीडिंग पेयर है, इसमें एक ब्रीडिंग पेयर है, एक यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं, दो यहाँ पे भी फिलहाल है, और इसमें आपका एक ब्रीडिंग पेयर हुआ, इसमें इसमें एक हुआ फ्रेंड, यहाँ एक हुआ ब्रीडिंग पेयर हुआ, उसके बाद ये 9 नंबर ब्रीडिंग पेयर यहाँ हुआ, और ये लास्ट फ्रेंड मैं इसका दिखाता हूँ कलर, टोटली फ्रेंड फुल्ली रेड डोमिनेट पेयर, यहाँ एक ब्रीडिंग पेयर हुआ। तो आज मेरा अभी ब्रीडिंग सीजन फ्रेंड जैसा कि आ गया है, और ब्रीडिंग सीजन आते ही मैंने हर बर्ड्स को जो मेरा ब्रीड पेयर रेडी था रेडी फॉर ब्रीड के लिए, मैंने हर ब्रीडिंग पेयर को ब्रीडिंग सेटअप में मैंने फ्रेंड दे दिया। तो फ्रेंड फाइनली रात के टाइम पे काफ़ी मेहनत करते हुए मैंने काफ़ी बॉक्स उतार उतार के सब बॉक्स फिलहाल यहाँ पे फ्रेंड रखा हुआ है, ये सब बॉक्स में रखा हुआ हूँ। और यहाँ पे आता हूँ फ्रेंड, फाइनली मैं जितना भी बॉक्स था मेरे यहाँ पे, ये सारा बॉक्स मैंने उतार उतार कर, और यहाँ भी हमारा जितना भी बॉक्स था सारा बॉक्स मैंने उतार उतार कर, जो मेरे ब्रीडिंग पेयर जितने भी बर्ड्स थे हर एक बर्ड्स को मैंने ब्रीडिंग सेटअप में ला दिया। तो फाइनली मेरा अब देखता हूँ कि अब मेरा इस साल का ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसा रहता है। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अभी से किसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहूँगा। तो फ्रेंड धन्यवाद।